हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें। हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हेला ने थॉर के हैमर को बैलून की तरफ फोड़ दिया और लोकी कैसे इतना काबिल हो गया कि वो मियोनिर उठा लिया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उसने हैमर को रोका कैसे। अब तक की जितनी भी MCU मूवीज निकली है उन सब में हम लोगों ने देखा है कि ओडिन, विजन और थॉर ही वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मियोनिर को उठाया है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका ने भी उठाने की कोशिश की थी तो वो हल्का सा हिला था। बट गाइज, इन सब के अलावा भी किसी ने म्यूनिर को यूज किया है और वो और कोई नहीं, हेला ही थी। इस बात का खुलासा थॉर 3 में होता है जब हेला एसगार्ड का इतिहास बता रही होती है और हमारे सामने ये तस्वीर आती है जिसमें वो ओडिन के पीछे खड़ी रहती है म्यूनिर पकड़े हुए। अगर हम उस लिस्ट को देखें कि जिसमें थॉर के हैमर को किसने उठाया है तो थॉर और विजन का तो समझ में आता है क्योंकि वो वर्दी थे इसलिए वो लोग म्यूनिर उठा पाए, लेकिन हेला ने ये कैसे किया? इसका जवाब है क्योंकि हेला ओडिन की बेटी थी, प्लस पहले म्यूनिर उठाने के लिए वर्दीनेस की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इस बात का सबूत हमें थॉर मूवी के स्टार्टिंग में मिलता है जब थॉर उस हैमर के लिए वर्दी नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसे यूज कर पाता है और योटनहाइम में अटैक कर देता है, जिसके बाद ओडिन उससे उसकी ताकत ले लेते हैं और उस हैमर में एनचैंटमेंट यानी कि मंत्र फूंक देते हैं कि जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा और वो इसके योग्य होगा तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि इस सीन में हेला उस हैमर को उठा नहीं रही बल्कि रोक रही है, और वो ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर वर्दी होना या ना होना जरूरी नहीं, और इस बात का एग्जाम्पल हमें थॉर 2 में ही मिल गया था जब थॉर और कर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे तभी थॉर अपने हैमर को अपने पास बुलाता है लेकिन कर्स उसे एक मुक्के से दूसरी ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। हेला कर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है, प्लस एस्गार्डियंस की ताकत एज के साथ बढ़ती जाती है, और क्योंकि हेला ओडिन की पहली संतान है प्लस थॉर कभी हेला के बारे में कुछ जानता नहीं था तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो थॉर के जन्म से पहले ही उन्हें बैनिश कर दिया था। और थॉर की उम्र 1500 साल है यानी कि उतने साल वो कैद में रही प्लस उनका जो अपना एज होगा, और मुझे देखने से तो लगता है वो नहीं भी तो 3000 साल की तो जरूर होगी। और इस हिसाब से अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर एस्गार्डियन थॉर 3 में था तो वो हेला थी, और इसीलिए जब थॉर उस पे अपना बेस्ट अटैक करता है तो उसे खरोच तक नहीं आती। और तो और हेला का पावर सोर्स एस्गार्ड था जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। तो गाइज, आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हेला ने उस हैमर को ब्रेक किया। एंड बहुत से लोगों का ये मानना है कि थॉर के पास ओडिन फोर्स आ चुका है थॉर 3 में, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इतना ताकतवर होता कि हेला को कंट्रोल कर पाए। एंड अब बारी आती है ये समझाने की कि कैसे लोकी म्योनिर उठाने इतना काबिल हो गया। तो गाइज, ये जो सीन थी ये थी एक बोनस क्लिप जो कि थॉर 2 में ऐड होने वाला था जिसे बाद में हटा दिया गया, जिसके हिसाब से लोकी नया राजा बनता है एसगार्ड का और वो म्योनिर उठाने के काबिल रहता है। असल में ये एक इल्यूजन था जिसमें वो डूबा हुआ रहता है और तभी उसकी माँ आके उसे टोकती है और हम वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन देखते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लोकी का ये डिलीटेड सीन मैं अपने इंस्टाग्राम ID पे पोस्ट कर दूंगा, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस में फॉलो करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।